हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेज़ा वर्ल्ड। मैं हूं नेज़ा हूं और आज जो है हम एचपी लैपटॉप की रिव्यू और अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं अपने हस्बैंड से कहूंगी कि वो आपको बताएं, इसकी डिटेल दें। ठीक है, तो नेक्स्ट आवाज़ जो होगी मेरे हस्बैंड की होगी। हेलो फ्रेंड्स, सो वी हैव बॉट अ लैपटॉप एचपी 4417। तो इसको हमने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है और आप जैसे देख सकते हैं इसका पैकेजिंग बहुत अच्छी तरह से किया है अमेज़ॉन ने, और इसमें कुछ डॉक्यूमेंट भी रखा हुआ है। डॉक्यूमेंट मैं अभी जस्ट खोल के आपको बताता हूँ एग्जैक्टली क्या है। तो बेसिकली ये डॉक्यूमेंट ऑर्डर नंबर और पैन नंबर अमेज़ॉन का और इनवॉइस, इट्स लाइक अ इनवॉइस कॉपी और इनवॉइस का। ये जो हम लोग ने लैपटॉप लिया है ये बेसिकली बजट मॉडल है और ये है एचपी का P4417। सो बेसिकली मैं आपको इसका रिव्यू दूंगा, तो पहले इसको मैं अनबॉक्स कर देता हूँ कम्प्लीटली। और आप जैसा देख सकते हैं कि इट्स वेरी नाइसली पैक्ड एक्चुअली। मैं अभी खोल रहा हूँ ये बॉक्स। तो ये फर्स्ट यहाँ पे एक उन्होंने चार्जर दिया है लैपटॉप को चार्ज करने के लिए, और ये भी अच्छा, काफ़ी अच्छा पैकिंग किया हुआ है। सो ये बेसिकली एक नॉर्मल चार्जर है जिससे हम लैपटॉप को चार्ज करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर एचपी का लोगो है और एचपी का लैपटॉप है, इसके लिए एचपी का ही चार्जर है। तो बेसिकली ये जो लैपटॉप का चार्जर है, और अभी हम लोग लैपटॉप भी देखेंगे खोल के और उसका रिव्यू भी करेंगे। तो ये देखिए ये लैपटॉप को कितनी अच्छी तरह से पैक किया हुआ है और ज़रा भी कुछ डैमेज नहीं है। अमेज़ॉन को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और ये रहा लैपटॉप, एचपी लैपटॉप P4417। इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ब्लैक कलर का, फुल ब्लैक कलर का लैपटॉप है। और अभी इसको मैं ऑन करके दिखाता हूँ। लुक वाइज इट्स वेरी गुड। ये देखिए ये स्पेसिफिकेशन है, इसमें कितने USB पोर्ट्स है, कितने HDMI पोर्ट्स है। बेसिकली HDMI तो आपको पता ही होगा कि अगर हमको लैपटॉप को अगर कोई स्क्रीन से कनेक्ट करना है तो उसके लिए HDMI यूज़ होता है। और USB पोर्ट्स तो आपको पता है, जितने कम जितने ज़्यादा हो उतने ही अच्छे, क्योंकि आजकल सब चीज़ USB से ही चलती है। फिर ये सब इंस्ट्रक्शन है, बेसिक इंस्ट्रक्शन। तो अभी मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ। ये बेसिकली HP का P4417 मॉडल है। सो मैंने इसको ऑन किया, शुरू में तो इसका HP का लोगो आ गया है और डिस्प्ले भी अच्छा लग रहा है देखने में। देखते हैं, पहली बार बूट हो रहा है तो शायद थोड़ा टाइम लगाएगा। और तो देखिए आप जैसे देख सकते हैं इसमें इसका विज़र्ड खुल रहा है, तो शुरू में स्टार्टअप विज़र्ड आएगा और वो आपको कुछ कुछ सेटिंग पूछेगा, जैसा आपका कंट्री कौन सा है और बेसिकली आपको कीबोर्ड कौन सा चाहिए। सो नॉर्मली इंग्लिश UK कीबोर्ड। तो आप जैसा देख सकते हैं इसके अंदर पेंटियम गोल्ड का प्रोसेसर है और इसका कीबोर्ड भी बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। कीबोर्ड बेसिकली इट्स वेरी सॉफ्ट, तो आपको टाइपिंग करने में भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, मतलब आपको आसानी होगी टाइपिंग करने में। और तो आप जैसा देख सकते हैं अभी उसका विज़र्ड चल रहा है, तो बेसिकली वो हम लोग को बेसिक क्वेश्चंस पूछ रहा है कि आपको क्या सेटिंग चाहिए या क्या नहीं चाहिए। तो ये बेसिकली इंटरैक्टिव है, मींस कि आप वॉइस से भी बोल सकते हैं और टाइप भी कर सकते हैं, आप माउस से भी नेक्स्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये लैपटॉप एक्चुअली इसमें बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ भी उन्होंने दिया हुआ है। मीन्स इट्स लाइक आपने लैपटॉप लिया तो यू विल गेट लाइफ टाइम विंडोज़ ऑल्सो, विंडोज़ 10। तो ये बहुत अच्छा फीचर है।
और क्योंकि आप अगर अलग से विंडोज़ लेने जाएंगे तो आपको ऐसे ही 10,000 पड़ जाएगा, तो विंडोज़ आपको फ्री मिलता है इसमें। तो आप जैसा देख सकते हैं ये अलग अलग ऑप्शंस पूछ रहा है, तो ये बेसिकली जस्ट आपको मतलब वो प्रिपेयर कर रहा है कि आप बेसिक आपका क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो सब डाल दीजिए, ताकि वो अपने साइट पे इंटरनेट से रजिस्टर कर ले। तो मैंने अपना वाईफाई का क्रेडेंशियल और वाईफाई का जो था वो मैंने डाल दिया है, तो अभी वो ऑनलाइन मेरे लैपटॉप को रजिस्टर कर रहा है। तो ये बेसिकली वारंटी के लिए है कि मीन्स कल अगर कुछ हो जाता है इशू तो मैं वारंटी क्लेम कर सकता हूँ इससे। तो ये बेसिकली ये पहला जो है फर्स्ट फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ द लैपटॉप, वो तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें वेट भी बहुत कम है, लाइक इट्स हार्डली 2 kgs, मे बी 1.5 kg होगा। और दूसरा है कि लुक वाइज भी बहुत अच्छा है कि एकदम स्लीक है, और ब्लैक कलर होने की वजह से वो गंदा नहीं होगा जल्दी, तो बेसिकली वो भी एक अच्छी चीज़ है। तो मैं आपको इसके लैपटॉप के फीचर्स के बारे में बताता हूँ। तो बेसिकली इसमें एक इंटेल पेंटियम 4417 प्रोसेसर है, जिसका स्पीड 2.3 GHz है, और ये 2 कोर का प्रोसेसर है। और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, लाइक इट्स विंडोज़ 10 होम होम एडिशन, आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलता है। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया, अगर आप बाहर से आप अगर माइक्रोसॉफ्ट से आप ख़रीदने जाते हैं तो आपको खाली विंडोज़ 10 ही आपको अराउंड 10,000 का पड़ेगा। तो ये बेसिकली ये लैपटॉप मुझे 20 से 20 से 25,000 तक मेरे को आया है। इट्स अ वेरी बजट मॉडल, और मेन एडवांटेज है कि इसके अंदर विंडोज़ 10 फ्री है, लाइसेंस्ड है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी है, लेकिन एक महीने की वैलिडिटी है, एक महीने के बाद आपको परचेस करना पड़ेगा, तो प्रॉब्ली 7 से 8 हज़ार आपको उसमें लगेगा। तो लेकिन आपको इट डिपेंड्स, आपको अगर ऑफिस चाहिए तो अगर आपको बेसिकली नोटपैड प्लस प्लस या ऐसा कुछ फ्री आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको फिर ज़रूरत नहीं है ऑफिस ख़रीदने की, आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। और जैसे आप देख सकते हैं, मैं अपना इसमें एक और ऑप्शन है, पिन का ऑप्शन है, मीन्स नॉर्मली आप कैसे लॉग इन करते हैं तो वो 4 डिजिट पिन मांगेगा आपसे, और वो पिन आप अगर एक बार कॉन्फ़िगर कर दिए तो बस आपको जब भी आपको लॉग इन करना है तो बस आपको वो 4 डिजिट का पिन डालना है। तो ये भी एक अच्छा फीचर है इसमें। और इसमें जैसे मैंने हार्ड डिस्क बताया, इसमें 256 GB हार्ड डिस्क है, और 4 GB DDR SD2 SD रैम है, और इसका जो वेबकैम है वो भी बहुत क्लियर है। तो आपको अगर स्काइप में मीटिंग करना है, टीम्स में मीटिंग करना है, तो आपको कोई इश्यू होना नहीं चाहिए। और फिर इसमें जो स्पीकर है, तो HP ने डुअल स्पीकर दिया है। तो डुअल स्पीकर मीन्स अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं या आप कोई नेटफ्लिक्स में मूवी देख रहे हैं, सीरीज़ देख रहे हैं, तो आपको भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। मीन्स आपका इसका साउंड बास लेवल बहुत अच्छा है, और डिस्प्ले भी इसका बहुत अच्छा है। ये फुल मीन्स HD डिस्प्ले है, 720 पिक्सल, तो आपको अगर मूवी देखना है तो आप HD में मूवी भी देख सकते हैं इजीली। और तो बेसिकली यही मेरा रिव्यू है, लाइक मैं आपको बोल सकता हूँ कि बजट में ये लैपटॉप इज़ वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप। और अगर आपको घर से मीन्स इफ़ यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, और आप ऑटो कैड या बड़ा ऐसा कोई बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ कर रहे हैं, आपको नॉर्मल वर्क करना है, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। और आजकल जैसे स्कूल्स भी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है। वी कैन इजीली कनेक्ट ऑन टीम्स मीटिंग और स्काइप मीटिंग या जूम मीटिंग, और दे कैन इजीली मीन्स डू देयर वर्क, मीन्स लाइक नॉर्मल स्टडीज एंड ऑल। तो बेसिकली मैं रिकमेंड करता हूँ इसको, कि अगर किसी को बजट लैपटॉप लेना है तो ही कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप। सो बेसिकली आप देख सकते हैं कि लुक वाइज, परफॉर्मेंस वाइज,
अभी मैं जैसे इस पे काम कर रहा हूँ तो बहुत अच्छा स्पीड मिल रहा है मेरे को, लाइक मीन्स मेरे को ऐसा लग रहा नहीं है कि ये पेंटियम 441 पेंटियम प्रोसेसर है, इट्स लुकिंग लाइक i5 आई एम वर्किंग, i5 प्रोसेसर आई एम वर्किंग। तो बेसिकली यही मेरा रिव्यू था। अभी मैं आप लोग को मीन्स आई रिक्वेस्ट लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर ये रिव्यू आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट लाइक शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। और इफ़ आई गेट 500 व्यूज़ ऑन दिस वीडियो सो डेफिनेटली आई विल मेक अनदर रिव्यू, लाइक मे बी आफ्टर 15 डेज ऑफ वर्किंग ऑन दिस लैपटॉप, कि मैं कैसे मीन्स मुझे कैसा लग रहा है और मैं कैसे वर्क कर पा रहा हूँ ये लैपटॉप में, और उसके परफॉर्मेंस के बारे में मैं आपको सेकेंड पार्ट में बताऊँगा। लेकिन एटलीस्ट आई शुड गेट 500 व्यूज, देन ओनली आई विल बी यू नो आई विल गेट द कॉन्फिडेंस टू पोस्ट अनदर वीडियो। सो प्लीज 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 सब्सक्राइब वीडियो एंड लाइक एंड कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड रिलेटिव्स। ओके देन, थैंक यू। कहाँ है इंस्टॉल मेमोरी?